मंगलवार से आरंभ हो रही चैत्र नवरात्र के दौरान श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए माता का दरबार सजकर तैयार हो गया है। नवरात्र के दौरान यहां हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इन श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद व यादगार हो, इसके लिए श्राइन बोर्ड की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालु अपने साथ दिलकश यादें ले जाएं, इसके लिए धर्मनगरी कटरा से लेकर पूरे यात्रा मार्ग को भवन को भव्य रूप से सजाया गया है। भवन की सजावट विदेशी फूलों से की गई है, जिनकी महक से पूरा भवन सुगंधित हो रहा है। इन विदेशी फूलों की विशेषता ये है कि ये 10 दिनों तक ताजा रहते हैं और इनकी महक कम नहीं होती। ऐसे में पूरे नवरात्र के दौरान माता का भवन खूबसूरती के रंगों के साथ फूलों की महक बिखेरता रहेगा। भवन में प्राचीन गुफा को भी भव्य रूप से सजाया गया है और 96 फुट लंबी इस प्राकृतिक गुफा का प्रवेश द्वार हर श्रद्धालु को आकर्षित करेगा। नवरात्र के दौरान कटरा से लेकर भवन तक सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हर आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है और श्राइन बोर्ड की ओर से जगह जगह स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। फूल की जो सजावट है ना, जो ऊपर सीलिंग में की हुई है, बहुत खूबसूरत है। वो तो कई प्रकार से नाम लिखे हुए हैं, कई प्रकार के डिजाइन है, मैं तो सब कुछ तो नहीं बता सकता इतना, लेकिन वो आज देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। चिरागा, मैं हरियाणा से मड़का से रहने वाला हूँ, पानी पत के पास। मंदिर से नगर का दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं और काफी सजावटें हो रही हैं ऊपर, काफी अच्छा माहौल है ऊपर, सब बहुत अच्छी सजावट हो रही है सर। ऊपर माता का नाम लिखा हुआ है, गणेश वगैरह बनाए हुए हैं, अच्छी सजावट है भाई। वैसे बहुत सर, मेरा नाम मोहित है और मैं जम्मू से हूँ और मैं अभी कल ही माता वैष्णो जी के दर्शन करने आया था। तो जैसे कि कल भी बहुत ज्यादा रश था, आज भी बहुत ज्यादा रश है। सजावट हर साल की तरह हो रही है। आज भी मैं जब आया था तो जब हम जा रहे थे तो तब सजावट की शुरुआत हो चुकी थी और हर जगह पर कोई ना कोई चीज बनाई हुई है फूलों से, भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से। और बहुत ही अच्छा लगता है जब अपना जो माता जी का भवन है इतना अच्छा सजा सुधरा था और लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। तो बस आपसे यही कहना चाहूँगी, जय माता जी और हवा।